साथ हमारे इस फेवरेट इंटरव्यू वाले सेगमेंट में जो मेहमान हैं, वो हम सबके फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। 3 महीने के अंदर गुजराती खाना खाकर वेट गेन करने वाले शख्स हैं, गुजराती खाने के ब्रांड एम्बेसडर हैं, गब्बर सिंह के सबसे बड़े फैन हैं, कोई कहता है बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले राहुल गांधी जी हैं। स्वागत। वैसे अध्यक्ष बनने के पहले और बाद इनकी जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव आए, आइए इनसे जानेंगे। राहुल जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए सर, बहुत बहुत बधाई। बताइए आज इंटरव्यू में लोगों को क्या दिखाएं? चलो पूरे देश को शोले पिक्चर दिखाते हैं। नहीं सर, शोले नहीं सर, कुछ बोले। हमारे पास बोलने को कुछ है ही नहीं, हम बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे? मैं बोल दूं क्या? मतलब मेरे पास है कुछ बोलने को, अगर आप इजाजत दे तो। जो भी गंदी बातें बोलना चाहते हैं। गंदी बात नहीं सर, हमारे पास कुछ सरल सवाल हैं और कुछ कठिन भी, तो बताइए पहले क्या पूछें, आसान वाला पूछें क्या? आसान सवाल, आसान सवाल ये पूछता हूं मैं आपसे कि आप अपने पार्टी के प्रेसिडेंट कैसे बने? अचानक। मैं टाइम नहीं, मैं तरीका पूछ रहा हूँ, प्रेसिडेंट कैसे बने? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं, अब आसान सवाल में कोई जवाब नहीं है, चलिए कठिन वाला पूछता हूँ। अब तक पार्टी में बड़े नेता आपको क्या कहकर बुलाते थे? छोटे। क्या कह के? छोटे। और सारे काम कैसे करवाते थे? राहुल इधर आओ, ये करो। ये तो बहुत गलत बात है सर, ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। अपने जूनियर्स के साथ ऐसा कोई करता है क्या? वैसे कौन कौन से नेता थे जो ऐसा करते थे बिहेव आपके? हमारे सब नेता इसमें शामिल। अब तो आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, इन सारे नेताओं को सबक सिखाने के लिए कुछ जुगाड़ किया है आपने? राइफल, पिस्टल, चाबुक, छुरा। क्या क्या कहा आपने? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक सेकेंड, मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं देख कर जाऊंगा क्या क्या है। राइफल, पिस्टल, चाकू, छुरा, दिखाइए क्या दिखाएंगे। चलो पूरे देश को शोले पिक्चर दिखाते हैं। फिर से शोले, गुजरात में आपने किया बम भोले, इंटरव्यू में कह रहे हैं शोले शोले, खाने में खाते होंगे छोले छोले। मेरे को तो लगता है आपका रिंगटोन भी होगा क्या? ओले, 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 ओले। एक बंद करो गाना, ओले ओले, सॉरी। वैसे देखिए चुनाव प्रचार वगैरह सब हो गया, गुजरात में आपने बीजेपी से बड़ी शिकायतें भी थी आपको, लेकिन अपनी पार्टी से भी कोई शिकायत है तो आज कह दीजिए इस मंच पे। महंगाई बढ़ती जा रही है मगर मेरी जो सैलरी है वो वहीं की वहीं रुकी हुई। अच्छा, मतलब 16-16 घंटे काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं, पैसा कैसे? मतलब वो लोग तो कहते हैं आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, गिनती नहीं आती है तो पैसा क्यों दें? गिनती आती तो होगी आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखो आती है, किसने कहा नहीं आती है। वैसे ये सीखने के लिए आप ट्यूशन गए थे या किसी को बुलाया था आपने? सैम पिट्रोडा जी को हमने अमेरिका से बुलाया। सॉरी, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, बस होते जा रहा है ये। वैसे मजा आया आपको? मजा आया सर, बहुत मजा आया। मैं तो कहता हूँ इस मजे को आप दुगना कर देते हैं और एक काम करते हैं क्या? चलो पूरे देश को शोले पिक्चर दिखाते हैं। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। फिर से शोले? अरे व्हाट अबाउट बम भोले? एनजीटी का नहीं देखा आपने? अमरनाथ यात्रा में भी बम भोले का जयकारा लगाने से उन्होंने मना कर दिया। इसकी खबर जब आपको मिली तो आपका क्या रिएक्शन था? आप तो शिव भक्त हैं, क्या रिएक्शन था आपका? चौंक गए। चौंक गए? वैसे एनजीटी ऐसी चौंकाती जा रही है पिछले काफी टाइम से। आपको क्या लगता है एनजीटी में जी का क्या मतलब है? गब्बर सिंह। और गब्बर सिंह जिस फिल्म में था वो फिल्म थी शोले, और इसी बात पर चलो चलो पूरे देश को शोले पिक्चर दिखाते हैं। खत्म, बैकअप, इंटरव्यू समाप्त, इंटरव्यू को खत्म करते हैं। जो लोग इसे देख रहे थे चलो चलो अब घर जाओ या फिर मर जाओ। मैं क्या बोल रहे हैं आप? बैकअप खत्म।